इस बिहार की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि देखिए कि किसी राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चिराग पासवान को बधाई तो देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद तो पेश कर देता है, टीम इंडिया के एक मामूली मैच पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। लेकिन उनके ही समाज का, मुसलमान समाज का एक गरीब बच्चा भारत से नेपाल चला जाता है और वो वहां पर स्वर्ण पदक जीत लेता है और वो बिहार लौट के चला आता है, पटना का जिला अधिकारी उसे बुला लेता है, बधाई देता है, अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे उस बच्चे की तारीफ करते हुए कहता है कि हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपोजिशन में बैठे हुए नेता उस बच्चे को बुला करके शॉल देता है, अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे देता है, गुलदस्ता देता है, लेकिन उस राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आखिरकार मुसलमान से दुश्मनी करता है। क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि टीम इंडिया को बधाई देने से ज्यादा जरूरत उनके समाज का एक ऐसा बच्चा जो नेपाल जाकर के स्वर्ण पदक जीता है, कराटे में चैंपियन हुआ है, नाम है जाबिर अंसारी और एक तरफ है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। मैंने उनका सोशल मीडिया देखा, बहुत सारे वीडियो दिखे, बहुत सारे रील्स देखे, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मधासराय नीतीश कुमार की तारीफ तो दिखी। अच्छी बात भी है किसी पार्टी के नेता के लिए, यह अच्छा है, शुभ संकेत भी होता है कि आप अपने नेता की सराहना कीजिए। लेकिन जरा गौर फरमाइए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब कि आप ही के समाज का, आप ही के राज्य का एक गरीब बच्चा है जिसने नक्सल प्रभावित इलाके से अपने आप को निकाल करके पटना यूनिवर्सिटी में ला करके खड़ा कर दिया। गरीब उनके पास पैसे नहीं है, वो आपकी पॉलिसी है सरकार की कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन देखिए कि वो बच्चा दर दर भटक रहा है। कम से कम चिराग पासवान को बधाई देने के साथ साथ उस जाबिर अंसारी को अपने आवास पे बुला लेते, गले लगा लेते, गुलदस्ता दे देते, चादर उड़ा देते, मेडल लेते, गाड़ी में बिठाते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ले जाकर के खड़ा कर देते कि हुजूर इसका नाम जाबिर अंसारी है, मेरा नाम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है और इस बच्चे की सहायता होनी चाहिए, आप इनको सरकारी नौकरी दे दीजिए। लेकिन मंत्री जी को इतनी फुर्सत कहां है? मंत्री जी के जब हमने फेसबुक पर जाकर के मंथन करने की कोशिश की तो देखा कि मंत्री जी का रील्स बड़ा अच्छा अच्छा है, गाड़ियों का काफला, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थार, एयरपोर्ट से निकलता हुआ काफला, ये विकास नहीं होता है मंत्री जी। विकास में फर्क होता है और दिखावे में जो अंतर होता है वो लोगों को समझ में आता है। कम से कम हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि एक बार जाबिर अंसारी को बुलाइए, वो बच्चा आपके समाज का है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी है, तो उस अल्पसंख्यक बच्चे का कल्याण करना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसे बुलाइए, दो चार 10 लाख रुपया उनको दिलवाइए, मुख्यमंत्री के पास ले जाइए, मेडल दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए और कहिए कि ये बच्चा जाबिर अंसारी है और ये बच्चा पसमांदा समाज से आता है, ये बच्चा कराटे का चैंपियन है, ये बच्चा कई बार मेडल जीत चुका है, ये बच्चा भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर चुका है, ये बच्चा नक्सल प्रभावित जिले से आता है, इस बच्चे को कम से कम जो आपकी पॉलिसी है मेडल लाओ नौकरी पाओ, डीएसपी की नौकरी इसको दे दीजिए, इसका घर परिवार चलता रहे, ये पढ़ता रहे और कराटे में और भी ज्यादा नाम करे। मुझे उम्मीद है कि इतना काफी होगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के लिए। मेरी ये खबर आप तक अगर पहुंच रही है तो रील्स बनाने चिराग पासवान को, मोदी को, टीम इंडिया को बधाई देने से ज्यादा बेहतर है कि आपके समाज का जो बेटा जाबिर अंसारी है, आपके राज्य का है, आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन उनकी मदद की जा सकती है, उन्हें बुलाइए, गुलदस्ता दीजिए, पैसा दीजिए, हौसला बढ़ाइए, उनके मां बाप से मिलिए और कहिए कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री से जाकर के मिलवा दीजिए, सरकारी नौकरी मेडल के नाम पर जो मिलनी चाहिए वो उसे दिलवा दीजिए, इसलिए कि ये बच्चा गुहार लगा के थक चुका है, आप मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, इसका हाथ पकड़िए, गाड़ी में बिठाइए, एक अन्य मार्ग ले जाइए, इसका मसला हल हो जाएगा।